हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं पिक्सल ओएस का एंड देखेंगे कि इस न्यू बिल्ड में आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। सो इस कस्टम रोम के बारे में सबसे पहली बात बता देना चाहता हूँ कि ये रोम पिक्सल एक्सपीरियंस रोम जैसा ही है, बट दोनों अलग अलग कस्टम रोम है। सो कन्फ्यूज मत होना। ये पिक्सल ओएस का बिल्ड हमें मिलता है एंड्रॉयड 14 के साथ। सो इसमें हमें एंड्रॉयड 14 के भी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे एंड ये डायनेमिक पार्टीशन कस्टम रोम है। सो हमें इसे इंस्टॉल करने के लिए डायनेमिक पार्टीशन रिकवरी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं नीचे उस रिकवरी का डाउनलोड लिंक दे दूंगा, आप वहां से रिकवरी डाउनलोड कर सकते हो। एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस कस्टम रोम का भी लिंक दे दूंगा, या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो एंड डाउनलोड कर सकते हो। कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कैसे करते हैं वो आपको मेरे पुराने वीडियोस में देखने को मिल जाएगी एंड ये वीडियो आपको आई बटन पर भी देखने को मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट थी कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंटरफेस की बात की जाए तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है पिक्सल ओएस का। तो सबसे पहले पिक्सल ओएस के इस न्यू अपडेट के बारे में बता देता हूँ कि ये एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी पैच की बात की जाए तो हमें इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, जो कि है 5 जुलाई 2024 का। कर्नल की बात की जाए तो पहले आपको देखने को मिल जाता था QTI हैप्टिक R26 का कर्नल, बट अभी आपको 4.19 का कर्नल देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, मेन सेटिंग्स पर चले तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है मेन सेटिंग्स में। सो यहाँ आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन। उसके अंदर आपको वाईफाई एंड हॉटस्पॉट देखने को मिल जाता है और दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कनेक्टेड डिवाइस का ऑप्शन। उसके अंदर चले तो यहाँ पर आपका कनेक्शन प्रेफरेंस में आपका ब्लूटूथ एंड कार फीचर अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट, ऐप्स के अंदर डिफ़ॉल्ट ऐप्स में हमें पिक्सल का लॉन्चर देखने को मिल जाता है, जैसे कि हमें पिक्सल एक्सपीरियंस रोम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इसमें आपको क्लोन ऐप्स भी देखने को मिल जाता है, जैसे हमें एंड्रॉयड 13 में पैरेलल स्पेस का ऑप्शन देखने को मिलता था। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। आपको यहाँ बबल्स, डू नॉट डिस्टर्ब एंड फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छे से वर्क करते हैं। बैटरी की बात की जाए तो बैटरी बैकअप ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। इसमें आपको बैटरी यूसेज, बैटरी सेवर, टर्न ऑन लाइट व्हेन चार्जिंग एंड बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात की जाए तो ये जो पिक्सल ओएस है वो बहुत ही कम स्पेस लेता है आपके इंटरनल मेमोरी का इंस्टॉल होने के लिए। नेक्स्ट, साउंड में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। दूसरे सभी कस्टम रोम्स में जो भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, मेन सेटिंग्स में डिस्प्ले में आपको कुछ खास चेंजेस देखने को मिलता नहीं है। वही डार्क थीम, ब्राइटनेस एंड नाइट लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप देख सकते हो डार्क थीम भी बहुत अच्छे से वर्क करता है और डार्क थीम में आपको प्योर डार्क थीम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले हमें लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन का दो सेक्शन देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन के सेक्शन में हमें सबसे पहले क्लॉक कलर, साइज एंड स्टाइल चेंज करने का बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है वॉलपेपर का ऑप्शन एंड इसमें ऑन डिवाइस वॉलपेपर्स एंड पिक्सल के वॉलपेपर्स बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको शॉर्टकट्स एंड और भी लॉक स्क्रीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, होम स्क्रीन के सेक्शन पर वॉलपेपर एंड कलर, थीम आइकन एंड ऐप ग्रिड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी में आपका स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक देखने को मिलता है। आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट सही से काम कर रहा है, इसमें कोई डिले देखने को नहीं मिलता है फोन अनलॉकिंग में। नेक्स्ट, आपको देखने को मिलता है फेस अनलॉक एंड फेस अनलॉक भी प्रॉपरली वर्क करता है, इसमें भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है।
आपको यहाँ पर ऐप लॉक भी देखने को मिल जाता है। सो इस कस्टम रोम में आपको सभी लॉक देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको डिजिटल वेलबिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड ये सभी एक्टिविटीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करता है एंड ऐड करता है। एंड लास्ट में आपको सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें कि आप ऐप लैंग्वेज में जाकर ऐप लैंग्वेज यहीं से चेंज कर सकते हो एंड ये सिर्फ कुछ ही ऐप्स को ही सपोर्ट करता है। नीचे आपको कीबोर्ड एंड लाइव ट्रांसलेट भी देखने को मिलता है। जेस्चर में आपका नेविगेशन मोड में जेस्चर नेविगेशन एंड 3-बटन नेविगेशन देखने को मिलता है। इसमें आपको 2-बटन नेविगेशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट जेस्चर में आपको स्वाइप टू स्क्रीनशॉट भी देखने को मिल जाता है जो कि अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट इसमें डेट एंड टाइम, बैकअप एंड रिसेट एंड अपडेटर भी देखने को मिलता है। एंड लास्ट में आपको MI डिवाइस सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट होम स्क्रीन पर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है गूगल डैशबोर्ड जो कि अच्छे से वर्क करता है। स्टेटस बार में आपको कोई लैग देखने को मिलता नहीं है एंड एंड्रॉयड 14 का जो एनिमेशन है वो भी काफ़ी स्मूथ है स्टेटस बार में। सो इसमें आपको कोई भी लैग देखने को मिलता नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रॉपरली वर्क करता है, इसमें भी कोई लैग देखने को मिलता नहीं है। कॉलिंग भी अच्छे से काम कर रहा है एंड वाईफाई कॉलिंग एंड कॉल रिकॉर्डिंग भी प्रॉपरली वर्क करता है। ऐप्स ओपनिंग के मामले में ये OS अच्छा परफॉर्म कर लेता है। ओवरऑल ये रूम काफ़ी स्टेबल एंड आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो नीचे कमेंट करके बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड इफ़ यू अप्रिशिएट माई वर्क प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।